हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है स्पोर्ट्स डॉट पे, जहां आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में। सो अगर आप भी एच सी एस के फैन हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज को मिस न कर पाएं। सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स के बारे में। ओपनर्स के रूप में मैंने अपनी इस टीम में जगह दिया है माइकल हसी और मुरली विजय को। सबसे पहले माइकल हसी का परफॉर्मेंस सीएसके के लिए बहुत ही अच्छा रहा। बहुत लंबे समय तक माइकल हसी सीएसके के साथ जुड़े भी रहे, और उसके अलावा मुरली विजय जो है उनका भी परफॉर्मेंस सीएसके के लिए जो शुरुआती सीजन रहे हैं 2009-10-11 जब सीएसके चैंपियन भी बना दो बार, तब उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन्होंने एक सेंचुरी भी बनाया था सीएसके के लिए। हालांकि इंडिया के लिए उनका परफॉर्मेंस उतना ज्यादा अच्छा नहीं रहा लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में, लेकिन सीएसके के लिए आईपीएल में मुरली विजय बहुत ही बेहतरीन ओपनर रहे हैं और वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स भी रहे हैं सीएसके के लिए। इसके अलावा एक और जो नाम था जो कि ओपनर के रूप में मेरे दिमाग में आया था वो थे मैथ्यू हेडन, लेकिन मैथ्यू हेडन को मैं इस टीम में जगह नहीं दे पाया क्योंकि अल्टीमेटली चार ही फॉरेन प्लेयर्स रखे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने मुरली विजय और माइकल हसी को चुना। नंबर तीन पर मैंने रखा है मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना को। सुरेश रैना चेन्नई सुपर किंग्स के वाइस कैप्टन भी आप कह सकते हैं इनको, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहे हैं। आईपीएल में भी एक समय पे इनके नाम सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड था, और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं सुरेश रैना के नाम। आईपीएल के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं, मतलब टी20 स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं इनको, और इंडिया के भी वन ऑफ द बेस्ट टी20 प्लेयर्स रहे हैं। पहले ऐसे इंडियन प्लेयर थे सुरेश रैना जिन्होंने इंडिया के लिए टी20 में सेंचुरी बनाया था। सो सुरेश रैना भी इस टीम में बिल्कुल एक जगह डिजर्व करते हैं। उसके बाद नंबर चार पर मैंने रखा है फैफ ड्यूप्लेसिस को। फैफ ड्यूप्लेसिस भी सीएसके के साथ काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और उनका परफॉर्मेंस भी सीएसके के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा है। मिडिल ऑर्डर में फैफ ड्यूप्लेसिस काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अच्छी पारियाँ खेल सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि साउथ अफ्रीकन टीम के कैप्टन भी है ड्यूप्लेसिस, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अच्छा अंदाज़ा है। बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं और इसलिए मैंने उनको अपने टीम में जगह दिया है। नंबर पाँच पर है इस टीम के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन और विकेट कीपर। बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस रहा है महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। मतलब जिस तरह से उन्होंने कप्तानी की है, तीन बार सीएसके को टाइटल जिताया है, और महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताने का मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम सभी को उनके अचीवमेंट्स के बारे में पता है। अब आगे बढ़ते हैं, नंबर छः पर मैंने रखा है ड्वेन ब्रावो को। ड्वेन ब्रावो का भी परफॉर्मेंस सीएसके के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा है, सीएसके के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर कहे जा सकते हैं, और बॉलिंग में भी ड्वेन ब्रावो ने सीएसके के लिए पर्पल कैप भी जीता है बहुत बार, सो इसलिए मैंने उनको इस टीम में जगह दिया है। एक और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर जो कि सीएसके टीम का हिस्सा रहे हैं वो है एल्बी मॉर्टल, और उनको भी इस टीम में रखा जा सकता था, लेकिन मैंने ड्वेन ब्रावो को एल्बी मॉर्टल से ऊपर प्रेफरेंस दिया है। नंबर सात पर मैंने चल दिया है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा एक बार फिर से एक ऑलराउंड ऑप्शन है, और सीएसके के लिए इनका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। जिस तरह से बैट के साथ उन्होंने बहुत ही क्रूशल रन्स बनाए हैं सीएसके के लिए बहुत ही क्रूशल मोमेंट्स पे, और उसके अलावा बॉलिंग में भी उन्होंने अपना कमाल दिखाया है। उसके अलावा स्पिनर्स के रूप में मैंने रखा है रविचंद्रन अश्विन और इमरान ताहिर को। रविचंद्रन अश्विन भी आप कह सकते हैं सीएसके के ऑल टाइम बेस्ट स्पिनर रहे हैं, और उसके अलावा इमरान ताहिर का परफॉर्मेंस स्पेशली पिछले कुछ सीजन से जिस तरह से रहा है, सीएसके के लिए पर्पल कैप भी जीत चुके हैं वो, तो उनका भी इस टीम में जगह बनता है। और उसके अलावा इमरान ताहिर लेग स्पिनर भी हैं, तो एक ऑफ स्पिन लेग स्पिन का ऑप्शन भी मिल जाता है यहाँ पे। फिर फास्ट बॉलर्स के रूप में मैंने रखा है सबसे पहले आशीष नेहरा को। आशीष नेहरा बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी हैं और सीएसके टीम का भी हिस्सा रहे हैं, और बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है उनका सीएसके के लिए भी, स्पेशली महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से उनको यूज़ किया नए बॉल के साथ और डेथ ओवर्स में भी, तो इसलिए आशीष नेहरा भी इस टीम में जगह डिजर्व करते हैं। उसके अलावा जो मेरे लास्ट प्लेयर हैं इस टीम के, और वो भी एक फास्ट बॉलर है, और वो है दीपक चाहर। दीपक चाहर ने भी पिछले कुछ सीजन्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सीएसके के लिए नए बॉल के साथ। दीपक चाहर जिस तरह से उनको यूज़ करते हैं महेंद्र सिंह धोनी, शुरुआत में चार ओवर उनके ख़त्म करवा देते हैं, और नए बॉल के साथ दीपक चाहर का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा है। सो इसलिए मुझे लगता है दीपक चाहर भी डिजर्व करते हैं जगह सीएसके के ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 में। हालांकि शार्दुल ठाकुर भी ऑप्शन हो सकते थे, लेकिन मैंने दीपक चाहर को यहाँ पे शार्दुल ठाकुर से ऊपर प्रेफरेंस दिया है। अब आप लोग का क्या मानना है इस पूरे प्लेइंग 11 के बारे में, और आप लोग कितने सहमत हैं मेरे प्लेइंग 11 से, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। उसके अलावा आपका अगर कोई अलग प्लेइंग 11 है तो वो भी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, और जिसका भी प्लेइंग 11 मुझे सबसे अच्छा लगेगा उसके प्लेइंग 11 को मैं पिंग ज़रूर करूँगा। और उसके अलावा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियोज़ को मिस न कर पाएं।